हाँ तो भाई, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे किसान भाइयों एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो कि हम अब जैसे धान की नर्सरी है हमारी या धान की फसल के अंदर खरपतवारों की हमारे किसान भाई के सामने समस्या होती है। जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं या सकरी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, तो तरह तरह के प्रोडक्ट वो हमारे किसान भाई उसके अंदर यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे किसान भाइयों नागार्जुना कंपनी के एक सीरियस प्रोडक्ट के बारे में, जो कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि सीरियस क्या है और क्या इसके अंदर टेक्निकल है, कब हमको इस्तेमाल कर रहा है, कौन सी फसलों के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किस टाइम पे हमको इस्तेमाल करना है। तो ये तमाम तरह की जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करके अभी से, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने और भी किसान भाइयों में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए किसान भाई, वीडियो हम शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं नागार्जुना कंपनी के एक प्रोडक्ट सीरियस के बारे में। सबसे पहले बता दें कि सीरियस क्या है। सीरियस एक हर्बिसाइड है किसान भाइयों, जिसके अंदर टेक्निकल की बात करें तो पायराजोसल्फ्रोन इथाइल 70% WDG फॉर्मुलेशन में ही होता है। जी हाँ किसान भाइयों, ये 70% में होता है, जबकि मार्केट के अंदर पहले 10% में मौजूद है, बट ये 70% में कंपनी लेकर आई है ये नागार्जुना कंपनी। पिछले साल प्रोडक्ट आया था कंपनी का ये। तो अगर हम बात करें कि कौन सी फसलों के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो देखिए वैसे तो ये रिकमेंड फसल के लिए है, जो कि है धान की फसल के अंदर, कि धान की फसल के अंदर रिकमेंड करती है कंपनी कि धान की फसल के अंदर जो हमारे खरपतवार होते हैं चौड़ी पत्ती वाले और जो डिल्ला मोथा होता है, यानी कि मोथा बोल देते हैं या डिल्ला बोल देते हैं उसको, तो उस तरह खरपतवार को नियंत्रण करने का काम करती है ये हमारी फसल के अंदर। फसलों की बात करें तो आप धान की फसल के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आप लोग इसका इस्तेमाल गन्ने की फसल के अंदर भी कर सकते हैं, क्योंकि पायराजोसल्फ्रोन जो टेक्निकल है हमारे किसान भाइयों ने गन्ने की फसल के अंदर भी टेस्टिंग के तौर पर इस्तेमाल करके देखे हैं, जो 10% में आता है, पहले रिजल्ट हैं उसके अच्छे, तो आप लोग गन्ने की फसल के अंदर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे रिकमेंड है ये धान की फसल के लिए। धान की फसल के अंदर से चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जितने होते हैं, डिल्ला मोथा जो होता है उसको खत्म करता है। अब जैसे धान की नर्सरी है, धान की नर्सरी के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारी धान की नर्सरी के अंदर सभी तरह के खरपतवार हैं, तो आप लोग सीरियस जैसे कि वो पायरीथीबैक सोडियम का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साथ में आप लोग ये सीरियस का प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो उससे होगा क्या कि सभी तरह के खरपतवार आपके कंट्रोल हो जाएंगे। और जब हम धान की रोपाई करते हैं, धान की रोपाई के जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं रोपाई के बाद 24 घंटे के अंदर जो यूज करने वाले या 72 घंटे के अंदर यूज करने वाले, जैसे कि पलटीला हो गई है, तो आप लोग आपको पलटीला पूरी डोज डालने की जरूरत नहीं है कि आपको 600 ml डालने की जरूरत है। अगर आप सीरियस का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपके खेत के अंदर डिल्ली की समस्या आती है, सावा मकड़ा वगैरह या फिर जो जंगली घास होता है उसकी समस्या आती है, जो अक्सर पानी में ज़्यादा होता है, जो चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार होता है, तो उसके लिए आप लोग कीजिए क्या, पलटीला के साथ में इसको मिक्स करके तो इसका भी छिंटा लगा दीजिए, तो हर तरह के खरपतवारों को कंट्रोल कर लेगा। अगर आपको लगता है कि आपके खेत के अंदर सिर्फ डिल्ले की समस्या आती है, तो डिल्ले की समस्या के लिए आप लोग सीरियस का इस्तेमाल कर सकते हैं। खास करके धान की फसल के अंदर डिल्ले की जो समस्या आती है, डिल्ला या मोथा जो खरपतवार होता है, उसके लिए ये प्रोडक्ट है। और किसान भाई, बात करें इसके अंदर कि आपको कितनी डोज के ऊपर इसका इस्तेमाल करना है, तो इसका जो डोज रहती है वो 12 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना है स्प्रे के रूप में। अगर आप लोग नीचे डालना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में हम पलटीला का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर मिक्स करके भी आपको 12 ग्राम ही यूज़ करना है, अगर आप चाहते हैं कि एक बार में ही सभी तरह खरपतवार हमारे खेत से कंट्रोल हो जाएं। तो किसान भाई, बात कर लेते हैं इसकी 12 ग्राम की चेकी कि हमारा प्रति एकड़ का खर्चा कितना आता है। तो इसका खर्चा आता है 200 या 220 रुपए, जो प्रति एकड़ का 12 ग्राम का खर्चा आता है। इसकी अगर हम पैकिंग साइज की बात करें, तो पैकिंग साइज आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल मिलते हैं, ये इसके अंदर 3 ग्राम है, 12 ग्राम है और 30 ग्राम की पैकिंग आपको आसानी से मिल जाती है। तो आपको अपनी धान की फसल के अंदर डिल्ले या मोथे की रोकथाम के लिए, या जो चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं जो पानी के अंदर उगते हैं, तो उनकी रोकथाम के लिए आप लोग नागार्जुना के सीरियस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं 12 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो यही सब था किसान भाइयों नागार्जुना कंपनी के प्रोडक्ट सीरियस के बारे में। तो मेरे ख्याल से जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपका सीरियस से रिलेटेड कोई सवाल है, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलेंगे जल्दी एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।